दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इसरो रिगार्डिंग एक नई फिर से वैकेंसी आई है। हालांकि एक पहले भी वैकेंसी आ रखी थी, जैसा कि आपको मैंने बताया। अगर आपने वो पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तो उसको इस वीडियो से जो है कंपेयर मत कीजिएगा। ये जो है इसरो की नई वैकेंसी है, जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में जो है ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, जिसके रिगार्डिंग जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये वैकेंसी जो है पहले भी आ चुकी है, लेकिन इसका डेट जो है एक्सटेंड हो गया है। अब ये फिर से नए कैंडिडेट जो है इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे कि क्या कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, और क्या पिछले वाला एडवर्टीजमेंट नंबर था, और इसका क्या एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो जो पिछला वाला वैकेंसी आया था इसी डिपार्टमेंट में आया हुआ था, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर LPSC02/2019 था। जहाँ पे बात की जाए तो ये जो वैकेंसी थी जून में आई हुई थी, ठीक है। तो जून में आई हुई थी, तो ये वैकेंसी फिर से अगेन आ चुकी है, जहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट जो हैं फिर से कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी पहले से ही ये फॉर्म फिलअप कर रखा है, वो उनको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नए कैंडिडेट अगर जो भूल गए हों, जिन्हें फ़िलअप करना हो, तो वो फिलअप कर सकते हैं। तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है ये, इसे नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आ रखी है। तो देखते हैं कौन कौन सी ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूँ, तो एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग हमने जो है पहले एक वीडियो बना रखा है। जैसे कि जो वो वीडियो था इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स में, जो अभी हाल में ही हमने ये वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे हमने एग्जामिनेशन पैटर्न बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको पढ़ के जाना है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप एग्जामिनेशन पैटर्न और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जान सकते हैं कि क्या क्या पढ़ के जाना है। इसरो का जो पेपर होता है वो बस डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो सिलेबस होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लगभग सेम होता है। तो मैंने इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस किया है, तो ये वीडियो आप देखना ना भूलें। आप वीडियो सेक्शन में जाएँ, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेना है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है LPSC04/2019। तो बात करते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए इसमें जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर ये है। और यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट एलिजिबल है, तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की बात किया जाए तो लेवल 744,900 की जो है सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है। मैकेनिकल की बात की जाए तो यहाँ पे 14 सीट है, जहाँ पे 6 सीट जो है जनरल्स के लिए, 5 सीट जो है OBC के लिए, SC के लिए 2 सीट, और EWS कैंडिडेट के लिए 1 सीट यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर लेटरल एंट्री के कैंडिडेट, जो लेटरल एंट्री के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, वो भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। देखिए, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप BE BTEC वाले भी भर सकते हो। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा नहीं कर रखा है, सिर्फ BTEC कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए, 2 सीट जो है इलेक्ट्रॉनिक की है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मांग रखा है, तो यहाँ पर भी लेटरल एंट्री कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। 2 सीट यहाँ पर रखी गई है। तो ये जो है इसका बात की जाए, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। देन यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 साल है, बाकी जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो फॉर्म को ऑनलाइन जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो फिलअप करने के लिए आप जो है इस लिंक पर जा सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है, देखिए क्या रखा गया है, इसकी जो लास्ट डेट है आपका ये 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट जो है 3 अक्टूबर रखा गया था। बहुत ही कम समय रखा गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, आप जो इसे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि वैकेंसी जो है पहले भी आ चुकी है, जो LPSC/02/2019 के बेसिस पे आई हुई थी, जिसकी लास्ट डेट जो थी 15/6/2019 थी। तो जो कैंडिडेट पहले से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उनको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। नए वाले कैंडिडेट जो है इसको फिलअप कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन सेंटर की मैं बात करूँ, तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका यहाँ बालीमाला में होगा। और तो इसके रिगार्डिंग अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न देखना चाहते हैं, तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, मैंने एक पुराने वीडियो जो हमने आपको पहले बताया, स्टार्टिंग में बताया, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस कर रखा है। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोज़ हमने बना रखा है, जहाँ पे इनकी लास्ट डेट जो है ख़त्म होने वाली है, तो इनको फॉर्म को फिलअप करना ना भूलें। और इन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे सेक्शन के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप जो है ईजिली इन वीडियो को देख सकते हैं, और ईजिली जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हर एक चीज़ जो है आपको प्रोवाइड की गई है। देन यहाँ पर हम बात किया जाए आपको इसके रिगार्डिंग पेपर वगैरह की, तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम पेज जो है ज्वाइन करना है, जहाँ पर हम पेपर भी और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह का PDF भी प्रोवाइड आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आती है और आपके लिए हेल्पफुल होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।